नमस्ते, मैं पंकज जायसवाल। आफ्टर ग्रेजुएशन जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब के लिए, तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट बैंक्स। तो गवर्नमेंट बैंक्स कौन कौन सी है जो IBPS के अंडर में आती है। IBPS के अंडर बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ये सब जो बैंक है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। ऐसी बहुत सारी बैंक है। अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है जिसके लिए आप आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले पोस्ट होती है क्लर्क की, सेकंड पोस्ट होती है PO यानी कि प्रोविजनली ऑफिसर, और थर्ड पोस्ट होती है SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ये तीन पोस्ट होती है IBPS के अंदर, और IBPS का रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है बैंकिंग सेक्टर में। जो भी स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब करना चाहते हैं और बैंकिंग के फील्ड में वो लोग जाना चाहते हैं, तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आप सभी को बता दूं, इसकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है मैंने एक पोस्टर शेयर किया था मेरे इंस्टाग्राम के स्टोरी में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कराया था, और काउंसिलिंग के लिए वो सभी लोग जा रहे हैं एग्जामशाला इंस्टीट्यूट। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और IBPS बैंकिंग सेक्टर में आपको कैसे जॉब मिल सकती है और उसके लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको दो एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है, एक प्रीलिम्स के एग्ज़ाम और एक मेन एग्ज़ाम। ये दो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको बैंकिंग सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ये सब जो बैंक है इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वहाँ पर आपको इजीली जॉब मिल जाती है, और जो सैलरी होती है वो भी गवर्नमेंट लेवल पर आपको प्रोवाइड की जाती है। मैं आप सभी को बता दूँ इसी के रिगार्डिंग IBPS की एग्ज़ाम कब होगी और एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या होता है और प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो रेगुलर लेक्चर सेशन का ऑर्गेनाइज करने में आया है, और ये जो लेक्चर सेशन है ये डेमो लेक्चर सेशन है। जो भी स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन अपना करियर बैंक सेक्टर में, बैंक की फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लेक्चर सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च से 20 मार्च तक, 3 दिन का लेक्चर सेशन चलेगा, 18 मार्च, 19 मार्च और 20 मार्च। इसका टाइमिंग क्या रहेगा तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। अर्ली मॉर्निंग 8:00 to 10:00 यानी सुबह 8 से 10 की पहली बैच होगी, और जो दूसरी बैच होगी दिन में वो दोपहर के 3 बजे स्टार्ट होगी और 5 बजे फिनिश हो जाएगी, यानी कि 3:00 to 5:00। ये दो बैच चलेगी 18, 19 और 20 मार्च को। और इसके लिए आपको कहाँ पर जाना रहेगा, तो एग्ज़ामशाला इंस्टीट्यूट जो फतेहगंज में आया हुआ है, एग्ज़ामशाला इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है मैं आप सभी को बता दूँ, फर्स्ट फ्लोर एग्ज़ामशाला इंस्टीट्यूट, द रॉयल प्लाजा कॉम्प्लेक्स, नियर 76 मॉल, फतेहगंज, वडोदरा। कोई भी चार्जेस इसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना है, जीरो ऑफ कॉस्ट है, फ्री एंट्री है। जो भी स्टूडेंट्स फिलहाल TY BCOM में है या फिर TY BA TY BSc और वो सब लोग जाना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इस लेक्चर सेशन में आए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरे 3 दिन तक पढ़ाया जाएगा, और एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सभी आना चाहते हैं रेगुलर लेक्चर सेशन में, तो आपका रजिस्ट्रेशन करा दें। रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, और जो रजिस्ट्रेशन की लिंक है मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ पर जाके आप सब लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन है करा दें, ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, और रेगुलर लेक्चर्स का जो मैंने टाइमिंग बताया उस टाइम पर आपको आना रहेगा। नमस्कार।